हे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अभी क्लिक किए तो वीडियो ओपन हुआ है, तो वो राइट साइड में जो दिख रहा है आशियाना मॉल के, वहाँ जाने वाले हैं लगभग 60 किलोमीटर्स। और जैसे देख रहे हैं ये भी थोड़ा आगे वाला वीडियो, जैसे लॉरी पे लॉरी, लॉरी पे लॉरी, थोड़ा सा हाईवे पे ये भी होगा जो आपको वीडियो के ऊपर वीडियो दिख रहा है। एंड उससे पहले हम थोड़ा सा फ्यूल भरवा लेते हैं, क्योंकि बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलती है, जैसे बिना पैसे की ज़िंदगी। एंड ये हम चल रहे हैं, ये जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे बाहर कैफ़े एंड पैराडाइज वगैरह गच्ची बोली पर रहते हैं, बहुत बढ़िया है। आप इवनिंग टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, या फैमिली के साथ, या किसी गर्लफ्रेंड के साथ, या पड़ोसन के साथ, किसी के भी साथ आओ, मेरे को क्या, गच्ची बोली में आ जाओ। राइट साइड में बहुत सारे दुकानें मिलेंगे, वैसे भी फालतू में यार बहुत लोग भरे हुए रहते हैं 2-3 बजे तक, किसी की कोई टेंशन नहीं रहती है रिलेटेड। ओ भाई साहब, ये देखो भारतीय नारी, जय माता दी भाई, इसको कुछ टेंशन है ही नहीं भाई ज़िंदगी में। भाई साहब, मैं तो सोचा भाई लड़के लोग ऐसे हाथ खड़ा करके ना वो बोलते ना, गाड़ी रोक के क्रॉस करते हैं, वेल डन वुमन एम्पावरमेंट। भाई इससे इसके ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना भाई नीचे कमेंट में और आ जाएगा कुछ ना कुछ NGO से या वगैरह वगैरह। नहीं, चुप, एकदम चुप, राइट डन। तो अभी ट्रैफिक ठीक ठाक है, शाम का वक्त है, एंड हल्का सा शायद बारिश भी लग रहा है, बट एनी हाउ जैकेट पहने हैं। ओ भाई साहब, ये भीड़ में ऐसे छूटे हैं जैसे भाई जंगल से कुछ छूटे ऐसे। एंड अभी हम एंटर हो रहे हैं आउटर रिंग रोड पे, जैसे कि आप देख रहे हो ये गच्चीबोली पे आउटर रिंग रोड है, वहीं से हम निकलेंगे जट चरला के लिए एंड शादनगर के लिए। सो बेसिकली पहले शादनगर आता है, फिर जट चरला आता है। तो इस आउटर रिंग रोड पे ना आप कहीं पे भी जाना है, यानी कहीं पे, यानी आप अमेरिका नहीं जा सकते हो, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, लिटरली फैसिलिटी एरिया ऑफ हैदराबाद, जैसे मुंबई आपको जाना, मुंबई का रोड यहाँ से पकड़ सकते हैं, बैंगलोर का वगैरह, एंड यू नो इट कनेक्ट्स। वैसे मेरे को तो ठीक लगता है भाई, अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आगे पार्ट में चल रहा है, आई डोंट नो, वो शायद कुछ ब्रिज बनाने का प्लान में है लोग। भाई कुछ मत बनाओ यार, इतना ही पहले छोटे छोटे रोड है और इनकी भसड़ में इतना, और ट्रैफिक हैदराबाद का भाई साहब इतना गंदा ट्रैफिक, भाई साहब इतना गंदा ट्रैफिक, इतनी सी रोड में भाई, इतनी सी रोड में इतने सारे, ये रोड की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी आप देख रहे हो, बेसिकली इससे पहले की रोड भी है, ये तो हाईवे रोड है इसलिए थोड़ा बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। एंड फिर जैसे कि अभी बोला है, रोड तो रोड ही है भाई, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा आराम से। सो अभी यहाँ से स्ट्रेट शॉट जाएंगे, लेफ्ट लेंगे आउटर रिंग रोड से, बट देखते हैं आगे का रोड कैसा है। थोड़ा सा आप जब तक थोड़ा म्यूज़िक सुनिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना कॉन्वर्जेशन। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। जस्ट ये वाला देखो राइट साइड में भाई, बगीचे में दो इंसान कैसे चिल कर रहे हैं, और इनके पिछवाड़े में लाइट क्यों डाला समझ में नहीं आ रहा है, बस ये दिखा रहा था। और जैसे बाकी बिल्डिंग बिल्डिंग एंजॉय कीजिए, बस उसको देख के मेरे को पता रहा था भाई, बढ़िया यार गार्डन में एकदम आर्किटेक्चर भाई हैदराबाद भी हो रहा है। वो क्या बोलता ना, हबीबी वेलकम टू हैदराबाद। चलो कंटिन्यू विद द म्यूजिक। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Rogue Elephant 3.0। तो कैसे हैं आप लोग सब, मज़े में? वीकडे में ऑफिस चल रहा है सबका, हमारा भी चल रहा है भाई, हमारा भी ऑफिस चलता है, इसी कारण मैं वीडियो ज़्यादातर बना नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ हर हफ्ते एक निकाल ही लो, लेकिन क्या करें, ऑफिस का काम भी रहता है। तो जैसे कि वेलकम बैक, सो अभी मैं और वेनू जा रहे हैं, और ये वेनू भाई यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली टी ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे। वेनू भाई, तो वेनू भाई हम कहाँ जा रहे हैं? बैंगलोर हाईवे पर। तो गाइस, वैसे आउटर रिंग रोड हम क्रॉस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ये हाईवे पे हम है, लाइक शमशाबाद बोल सकते हैं इसको आप, शमशाबाद से थ्रू हम क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली और एक रोड है, अगर आपको जाना है तो आप क्या बोलते हैं, मेदिनीपट्टनम से आप अत्तापुर की रोड पकड़ के, आरमगढ़ की रोड पकड़ के वैसा भी आप जा सकते हैं शादनगर या जटचेला, लेकिन हमने थोड़ा सा एक ऐसा वाला वे ले लिया आउटर रिंग रोड का, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नेक्स्ट टाइम से अत्तापुर से बेटर रहेगा, क्योंकि ये वाले ना बीच में थोड़ा सा रोड उतना अच्छा नहीं मिला है, और बाकी मौसम ठीक है,
है उतना ठंडा अभी तो नहीं लग रहा है, और जैकेट भी मैंने नहीं पहना है, नॉर्मल टी शर्ट और शर्ट पे हूँ और हेलमेट है बस उतना ही। और वेनू पीछे बैठा है, वीडियो भी वही खींच रहा है, मैं नहीं खींच रहा हूँ। और भाई साहब ट्रैफिक ठीक ठाक है, लॉरीज़ वगैरह है, बट हाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप हाईवे पर जा रहे हो इतना ना, जैसे कि ये रोड देख रहे हो आप भाई, मैं बोलता हूँ आपको रोड लगेगा मस्त, मज़ा भी आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज़ सम एक्सपीरियंस जो आप लेना चाहते हो बाइक पे। कार पे उतना देखो, बाइक और कार पे टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन जब आप बाइक पे जाते हो तो उसका भाई मज़ा ही अलग आता है। एंड और वो ऊपर से बुलेट हो तो अलग ही है। एंड एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने रास्ते में एक दो एक्सीडेंट भी देखा था हाईवे पे। अब पता नहीं अब कैसा हो, अब पता है एक्सीडेंट ज़्यादा डिफरेंट टाइप के होते हैं, अब किसकी गलती क्या गलती कुछ नहीं बोल सकते। अगर तुम अच्छे से भी चला रहे हो तो भी पीछे से आके कोई मार देगा, तो उसमें भाई अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपना तो इतना हाथ में तो है ना, कम से कम भाई मैं हमेशा यही मेंटेन करता हूँ, लेफ्ट साइड पर आराम से दबा के चलो, आराम से ज़्यादा ओवरटेक देख के करो और स्लो चलाओ, आराम से चलाओ प्यार मोहब्बत से। ये बस सोचो कि आप जब रोड पे हो, आप किसी गाड़ी पे हो, आपकी वजह से दूसरे को भी नहीं नुकसान होना चाहिए और आपको खुद नुकसान नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो आप, समझा करो, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। तो भाई साहब अभी तो मज़ा आ ही रहा था हाईवे पे, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड वैसे ये वाला उतना ठीक ठाक है, रोड भी ठीक ठाक था पूरे रोड का। एंड राइट साइड पर आप जैसे ही स्टार्टिंग करोगे ना लेफ्ट साइड पे, जैसे राइट साइड पे भी आपको थोड़े थोड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, बट स्ट्रेट टू स्ट्रेट दैट इज़ डिफरेंट। हम लोग ढाबे की क्या बोलते खोज खोज उस टाइप में। वैसे यार देखो, डिनर करना है तो भाई अपने घर से नीचे उतरते हो, या फिर घर से नीचे उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, जोमेटो या स्विगी ऑर्डर कर लो। अभी तो 60% ऑफर चल रहा है, 9 अक्टूबर मंथ चल रहा है भाई, एक तो गच्चीबोली में इतने 700-800 रेस्टोरेंट है, आप स्विगी खोलोगे लिटरली 1000 भी दिखाएगा, 1000 रेस्टोरेंट्स नियर यू। लेकिन भाई हमको नहीं चाहिए कोई बंदा आके डिलीवरी करे हमारे पास, हमें चाहिए हम खुद जाए खाने के पास, है ना, वो बोलते ना सेल्स टाइप में, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, आप जाओ कस्टमर के साथ। सो दिस इज़ लाइक मी गोइंग सॉरी मी एंड वेनू गोइंग टू अ प्लेसेस। सो रियली भाई सीरियसली मज़ा बहुत आएगा यार। आप किसी टेंशन में हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वर्कलोड है, आप लिटरली यार कभी भी, मैं आपको ये बोलता हूँ, सुनिए मेरी बात, अगर आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आया ना, बाइक स्टार्ट करो या चले जाओ लिटरली कहीं पे भी यार, ज़रूरी नहीं है कि आप 100 किलोमीटर जाओ, 20-30 किलोमीटर जाओ, 40 किलोमीटर जाओ, कुछ मत सोचो, बस गाड़ी चलाओ, बस नेचर को है ना फील करो, इससे बड़ा रेमेडी कुछ नहीं मिलेगा, लिटरली बोल रहा हूँ, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और कुछ नहीं भाई, लिटरली बोल रहा हूँ भाई और आपकी बहनों और दोस्तों, लिटरली समझ में आ रहा है आपको। सो एन्जॉय द ट्रिप, एन्जॉय द रोड, एन्जॉय द मोमेंट बोल रहा हूँ लिटरली। और अभी तो ये तो अभी रिसेंटली मैंने बुलेट लिया है, तो अभी तो भाई बैक टू बैक तो ट्रिप मारने का मारना है, लेकिन वो भी होता है ना, जॉब भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा हुआ है या मेरे सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर से पैसे आते हैं, अभी तक तो लिटरली थोड़े ही सब्सक्राइबर है। अगर मैं वही बोलता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो लिटरली, आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या बोलते हैं विटामिन ईम भी आएगा, यानी ऑब्वियसली यार पैसे लगते हैं कि आप भाई पैशन है, लेकिन पैशन को पैसे लगते बिना लोग बोलते हैं ना भाई, लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता, पैसे लगते हैं लिटरली, पेट्रोल के लगते हैं, आपका टाइम लगता है, आपका एफिशिएंट लगता है, बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट की तरह ब्यूटीफुल होता है, राइट। सो जस्ट रिक्वेस्टिंग यू गाइज, देखो जैसे आप देख रहे हो ये ऐसा होता है लगभग, लाइक इफ समवन इज मोस्ट प्रॉब्ली 99% इंडियंस तो हाईवे पे गए होंगे बाइक पे या फिर कार पे या फिर किसी दोस्त के कार पे या फिर हिच हाइकिंग पे, बट नॉर्मली दिस इज़ द आई लव ये वाला सीन होता है ना, बड़ा मज़ा आता है लॉरियों के बीच में से साइड में से आराम से जो, लेकिन वही सेफ, दिस इज एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, बहुत सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कुछ भी अगर उल्टा इटा हुआ तो ख़त्म भाई, जय श्री राम बस। तो ज़रूरी नहीं है कि इतना स्पीड में जाओ, आराम से जाओ, मस्त जाओ, आपका भी ख्याल रखो और दूसरों का भी ख्याल रखो, सिंपल एज दैट। मैं और वेनु आ गए यहाँ पे, कितना 60 किलोमीटर आए बेटे, अराउंड 60 किलोमीटर हम लोग आए यहाँ पे हैदराबाद से सिर्फ डिनर करने के लिए। हाँ सही सुना, नहीं है वहाँ पे भी रेस्टोरेंट है सब कुछ है, लेकिन बाइक राइड होता है, हाईवे होता है, लॉरीज होती है, पेड़ पौधे होते हैं, अच्छा खासा फ्रेश एयर मिलता है, और हमारा क्या बोलते हैं किक लाइक जस्ट लाइक सलमान खान के टाइप में वैसे ही। तो यहाँ से लाइक एक्चुअली जडशेला जाने का प्लान था, बट जडशेला यहाँ से हार्डली ज़्यादा नहीं है, 30 किलोमीटर है, बट ऑलरेडी टाइम हो गया 11 बजे,
तो आपको मालूम है हम आम आदमी, हमको कल ऑफिस भी जाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। सो बेसिकली हमने यहीं पे रुक लिया। तो ये थोड़ा अच्छा सा दिख रहा था हाईवे पे, और वो प्रॉपर वाला ढाबा ना वो और आगे 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 होगा, उसके लिए अभी वक्त नहीं है। तो मे बी सम टाइम नेक्स्ट अगर कहीं लॉन्ग ट्रिप मारूंगा तब उसमें से क्या बोलते हैं जब निकाल लूंगा। तो एक ज़बरदस्त फोटो सेशन के बाद खाने पे आ गए, खाने का ऑर्डर दे दिए। मैं तो टमाटर करी बोला और रोटी, भाई साहब उनका क्या बोलते हैं वो नॉनवेज खाने वाले इंसान है, नॉनवेज खा रहे तो उन्होंने अपना मुर्गी वर्गी खा रहे, अपना भाई मस्त टमाटर करी, एक दाल और बटर नान, बस बढ़िया सा खाएंगे यार। आ गया भाई मारे, अरे ठंडा ही है भाई उतना। ये क्या है? बमास गोल्ड। ये बमास गोल्ड क्या है? स्मार्ट वाटर है सर। ये स्मार्ट वाटर है, ये यहाँ लिखा है स्मार्ट वाटर। स्मार्ट वाटर क्या रहता है स्मार्ट वाटर में? सर ये आप ब्रांड है वो स्मार्ट वाटर बोला। स्मार्ट वाटर का थे बोले तो ये तो स्मार्ट वाटर था पिता है स्मार्ट वाटर स्मार्ट वाटर का थे ये तो कुछ नहीं आता खा लेना। तो ऐसा भाई ये पानी पीते में स्मार्ट हो गया, इतना स्मार्ट हो गया। अब जाके इसको पूछ लो भाई खाने के बाद डिस्काउंट दो। तो टाइम हो रहा है अभी 11:16 मेरे वॉच में, तो मेरे फोन में उतना ही होगा ना। तो बेसिकली 11:16 हो रहा है, अभी तक खाना आया नहीं है। भाई हमारा खाना है वो खाना भी आया। क्या बात है भाई साहब, ये अभी दिख रहा है। चलो मैं खाना खा के आपको फोन करता हूँ खाना खा के आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो मुर्गी को आधे से काटे रहे, आधा काट के तेरे को आधा दिए उन्होंने, ठीक है। अच्छा इसका मिनी बिरयानी भी था। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं आराम से, नहीं नहीं आराम से बोला। प्याज व्याज लाए? बाल बिखरे, जस्ट अभी हेलमेट खोला। टाइम हो रहा है अराउंड 1:33। सो बैक टू पवेलियन, घर पे आ गया। सो जस्ट मेरे किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस है ना मैंने अपलोड किया था, सो उसमें देख के बोल रहा था आसान है चेतन तुमको, यू नो बहुत आसान है तुम्हारे लिए जाना वाना। मैंने बोला भाई आसान लाइफ में कुछ नहीं होता, राइट तो जैसे कि मैं बोल रहा था आसान लाइफ में कुछ नहीं होता, हर चीज़ का यार हमको करना पड़ता है उस चीज़ को आसान। प्यार आसानी से नहीं मिलता, पैसे आसानी से नहीं मिलते, यू नो आपको जो ज़िंदगी में चाहिए हर चीज़ अगर सब आसानी से मिल गया तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। सो बेसिकली मैं वही बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स योर कॉल। सो इफ़ यू लाइक इट जाओ, जो जी में आए करो। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरा यही कॉल है कि आपकी ज़िंदगी आपकी मर्जी, जो करना है करो बट लॉजिकली करो, ऐसा नहीं कि पागलों की तरह, ठीक है। With said that, bye, take care, good night.